जय सियाराम दोस्तों। तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये कब आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है, किस दिन आपको व्रत का पारण करना है, क्या तिथि रहने वाली है, मुहूर्त क्या रहने वाली है, पूजा विधि आपको किस प्रकार करनी है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन कई जातक कन्या पूजन व हवन भी करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता महागौरी की आराधना करने से पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। अष्टमी के दिन ही माता दुर्गा ने चंड मुंड नामक दैत्यों का वध किया था। वहीं अगर आपने 9 दिन का व्रत नहीं रखा है तो आप अष्टमी पर भी व्रत रख करके पूरे 9 दिन का व्रत का जो है फल ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब आ रही है, ये 10 तारीख को है या फिर 11 तारीख को आने वाली है, और नवमी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। पंचांग के अनुसार 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:31 से जो है अष्टमी तिथि लग रही है, जो 11 अक्टूबर के दोपहर में 12:06 तक रहेगी। तो ऐसे में हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, तो 11 अक्टूबर के दिन ही अष्टमी तिथि रहेगी और 11 तारीख को ही 12:06 पर जो नवमी तिथि है उसकी शुरुआत हो जाएगी, जो कि 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:57 पर रहने वाली है। तो इस तरीके से उदया तिथि में पड़ने के कारण जो अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत है वो 11 तारीख को ही किया जाएगा। जो भी भक्त हैं वो अष्टमी का जो भी व्रत रखना चाहते हैं तो उन लोगों को 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी का जो है व्रत रखना चाहिए। फिर उसके बाद नवमी तिथि के दिन जो है पूजन माता का करने के साथ ही अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और जो लोग 9 दिन से व्रत रख रहे हैं उनको 12 अक्टूबर को ही अपना नवमी के दिन पूजन करना चाहिए, उसके बाद कन्याओं को भोज कराना चाहिए, उसके बाद वो चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि आपको पूजा विधि किस प्रकार से करनी है। आपको सबसे पहले सुबह उठकर के स्नान करना है, मंदिर साफ करें, दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें, मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें, सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करके फल और फूल और तिलक लगाएं, प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयां चढ़ाएं, घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर से करें, फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रख करके माता की आरती करें, अंत में उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर से करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ जो अष्टमी तिथि है वो पूजी जाती है, तो उनको अष्टमी की तिथि जो है वो 11 तारीख को ही पूजनी चाहिए। 11 तारीख को ही अष्टमी तिथि की जो कन्याओं का भोज है वो करना चाहिए, और जिन लोगों के यहाँ नवमी तिथि पूजती है उन लोगों को 12 अक्टूबर को कन्या भोज कराना चाहिए। पूजा का मुहूर्त भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर 2024 को पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:20 से लेकर के 7:47 तक का रहने वाला है। वहीं पर जो 12 अक्टूबर का मुहूर्त है वो भी सुबह के समय पर ही रहने वाला है। दोस्तों, नवरात्रि में आने वाली अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे महानिशा की रात भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति भी होती है। महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन कन्या का पूजन विशेष महत्व होता है। वहीं महानवमी पर जो है माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति रोग मुक्ति और भय मुक्त हो जाता है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को व्रत का फल देती हैं, इसीलिए महानवमी का महत्व सबसे अधिक माना गया है। मंगलवार की अष्टमी सिद्धा और बुधवार की अष्टमी जो होती है वो मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान मानी जाती है। ईशान में शिव सहित सभी देवताओं का निवास भी होता है, इसीलिए इस अष्टमी का महत्व अधिक होता है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली, धर्म और में वृद्धि करने वाली भी होती है। अधिकतर घरों में अष्टमी की ही पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माने चंड मुंड राक्षसों का संहार भी किया था। नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखने का खास महत्व होता है। मान्यता अनुसार इस दिन निर्जल व्रत रखने से बच्चों को दीर्घायु प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन सुहागिन औरतें अपने अचल सुहाग के लिए मां
महागौरी को लाल चुनरी भी चढ़ाती हैं। अष्टमी के दिन आपको अपनी कुल देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए और कुल देवी के साथ साथ आपको महाकाली, दक्षिणकाली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना जरूर करना चाहिए। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप मानी गई है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल खाना निषेध माना जाता है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध माना जाता है। माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं। कई जगह कद्दू और लौकी का भी निषेध माना गया है, क्योंकि ये माता के लिए बलि के रूप में चढ़ता है। अष्टमी तिथि के दिन संधि पूजा का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। यह पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन चलती है। इस पूजा में अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के यानी कि शुरुआत होने के 24 मिनट के समय को संधि काल कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंड और मुंड का वध किया था। तो संधि काल के समय यदि आप 108 दीपक जलाते हैं तो आपकी हर मनोकामना जरूर से पूरी हो जाती है। यदि आप 108 दीपक ना जला पाए तो आप माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का जो है आप उसका दीपक भी लगा सकते हैं। आइए अब अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा के बारे में भी जान लेते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर माँ महागौरी की क्या महिमा है। शारदीय नवरात्रि के 7 दिन बीत जाने के बाद 8वां दिन काफी अहम होता है। यह दिन दुर्गा माता के 8वें स्वरूप माता महागौरी को समर्पित है, जो देवों के देव महादेव की अर्धांगिनी भी कही गई है, उन्हीं के साथ विराजती है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर वर्ण होने के कारण इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें श्वेतांबर धरा नाम से भी जाना जाता है और वे अन्नपूर्णा का स्वरूप भी हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति माता महागौरी की आराधना करता है उसे सभी तरीके के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है, साथ ही किसी भी प्रकार के कष्ट उनके निकट नहीं आते हैं। साथ ही माँ की आराधना से अलौकिक सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार आदि शक्ति के इस स्वरूप में माँ महागौरी के वस्त्र आभूषण आदि श्वेत है, उनका रंग भी गोरा है और 4 भुजाएं हैं। माता के एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में डमरू, वहीं तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। माँ ने अपनी कठिन तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था और तभी से उन्हें माता महागौरी के रूप में भी जाना जाता है। माँ महागौरी को आप जो है हलवे और पूड़ी का या काले चने का भोग लगा सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि नवमी तिथि के दिन आपको किस प्रकार से पूजा करनी है और किन माता की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से पूरी होती है अलौकिक और लौकिक कामनाएं हैं। जी हाँ, माँ सिद्धिदात्री नव दुर्गा का अंतिम स्वरूप कही गई हैं। यह सभी प्रकार के वरदान तथा सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी कमल पुष्प पर विराजमान हैं तथा इनके हाथों में शंख, गदा, पद्म और चक्र है। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री की कृपा से गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष और देवी देवता की सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आइए अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। महानवमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद माँ के सामने एक दीपक जलाएं, देवी को 9 कमल के फूल अर्पित करें, साथ ही 9 तरीके का भोग भी लगाएं, साथ ही मंत्र का जाप करें, देवी को चढ़ाए हुए कमल पुष्प को लाल कपड़े में लपेटें, पूजा के बाद खाद्य पदार्थों को ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दें, फिर भोजन ग्रहण करें। सिद्धिदात्री की उपासना से जो है बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। देवी सिद्धिदात्री की आराधना से केतु ग्रह के दोष भी दूर हो जाते हैं। वास्तु दोषों के कारण जीवन में जो कुछ भी परेशानियां आती हैं, देवी की उपासना से उसे दूर करने में सहायक होती हैं। देवी की पूजा से उन्नति होती है तथा सभी कामों में सफलता भी मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव के वाम अंग से प्रकट होने के कारण सिद्धिदात्री को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान शिव ने सृजन के लिए आदि पराशक्ति की उपासना की थी, लेकिन आदि पराशक्ति का कोई रूप स्वरूप नहीं है, इसीलिए देवी भगवान शिव के वाम अंग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थी। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और कोई कामना शेष नहीं बचती है। ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन से इस नश्वर संसार से शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी आराधना से भक्त को अरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामा वासियता, दूर श्रवण पर कामा, प्रवेश वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इतना कठिन तप ना कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जप, तप और पूजा करे तो माँ की कृपा बनी रहती है। माँ सिद्धिदात्री की भक्ति पाने के लिए श्लोकों को याद कर नवरात्रि में नवमी के दिन इनका जाप करने से भी लाभ होता है। नवरात्रि की नवमी पर देवी सिद्धिदात्री के समक्ष नवग्रह समिधा से हवन जरूर से करना चाहिए।
चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलती है। यदि आपने 9 दिनों का व्रत रखा हुआ है तो आप नवमी तिथि के दिन हवन जरूर से कीजिए, और हवन में जो नवग्रहों की जो 9 संविधाएं होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, वो हवन में जरूर से डाली जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं भक्तों की, वो जरूर से पूरी कर देती हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अष्टमी नवमी के बारे में, अष्टमी और नवमी में जिन माताओं की पूजा की जाती है, जिन सिद्धियों की पूजा की जाती है, उसके बारे में, महत्व के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए जय जय सियाराम।